Hi guys, I'm Kanan Malhotra and welcome to my channel, YouTube channel, Kanan Malhotra. Guys, please subscribe, bell icon को दबाना मत भूलिएगा और आज मैं आपको अपने एक नए सफर पर लेके जा रहा हूँ और वो सफर है ऊटी का सफर. Come on, follow me. प्लेस एंड यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है एंड इस वक्त मैं बीच में खड़ा हूँ चाय की खेती के बीच में. आप देख सकते हैं ऑल ओवर सिर्फ चाय ही चाय है. सबसे ज्यादा ऊटी में फेमस है तो वो है चाय. गाइस एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ऊटी में सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत कलरफुल घर, बहुत रंगीन और बहुत अच्छे से, और सारे घर मैंने देखे हैं यहाँ पे जितने बने हुए हैं या होटल्स हो गए, सब चीजें हट शेप में बनी हुई है. तो ये आपको एक विलेज का, एक प्योर ऑथेंटिक विलेज का फ्लेवर देता है ऊटी. इस वक्त पहुंचा हूँ ऊटी में एक और बहुत खूबसूरत जगह जिसका नाम है गवर्नमेंट रोज गार्डन और ये रहा मेरे पीछे. अब मैं आप लोगों को यहाँ पर अंदर लेके चलूँगा एंड सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो टिकट्स हैं वो बहुत कम प्राइस में है. पर पर्सन 30 रुपीज एंड चिल्ड्रन 15 रुपीज. कम ऑन, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ. चुके एंड रोज गार्डन में सिर्फ गुलाब ही नहीं, अलग अलग रंग के गुलाब के फूल हैं. तो यहां से मैं आप शुरू करता हूं. दिस इज कॉल्ड पिंक गुलाब जिसका नाम है गलेटी और मैं आपको आगे लेके चलता हूं. आप देख सकते हैं इन्होंने नाम तक लिखे हुए हैं, टाइगर और बहुत सारे नाम हैं और ये बहुत खूबसूरत है. वादियों के बीच में एक खूबसूरत सा गार्डन जिसका नाम है गवर्नमेंट रोज गार्डन. गाइस गुलाब, मैंने अपनी लाइफ में इतने बड़े गुलाब के फूल कभी नहीं देखे जो मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ. तो आप भी देख सकते हैं कितने बड़े और कितने सुंदर गुलाब के फूल खिले हुए. गाइस मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ऊटी. दिस इज अ पैरानोरमा व्यू ऑफ ऊटी है और यहाँ से पूरा ऊटी दिखता है और ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक जगह से और वो है गवर्नमेंट रोज गार्डन से. चलिए आइए अब मैं आपको पूरा रोज गार्डन दिखाता हूँ ताकि आप मेरे साथ इन वादियों का, इस गार्डन का पूरा मजा ले सके. कम ऑन. मुझे सच में यहाँ आके शाहरुख खान की याद आ गई बिकॉज इट्स सच अ रोमांटिक प्लेस, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस और यहाँ पे इतने खूबसूरत रोज हैं. और मैं सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी स्केड्यूल से बाहर निकलकर हम एक ऐसी जगह आए जहाँ पर इतनी ठंड हो, प्लेजेंट वेदर हो, नेचर हो, वॉन्ट टू लिव नेचर, देन दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस.
तक जितने यहाँ पेड़ देखे हैं वो सब कितने ही बड़े हैं, और आई थिंक सो कि ये पेड़ अप्रॉक्स 150-200 साल पुराना होगा जो मुझे लग रहा है, और मैंने अभी तक जितने पेड़ देखे हैं वो सब इतने ही पुराने देखे हैं। एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल, एक बार ऊपर देखिए पेड़ की तरफ आप लोग, एंड आपको लगेगा कि कितनी खूबसूरत नेचर, कितना खूबसूरत होता है, कितना रिफ्रेशिंग होता है नेचर। यहाँ के लोगों की तरह ये भी एक नज़ारा है जो बहुत रंगीन है। रंगीन मतलब कि यहाँ पे लोगों ने अलग अलग कलर्स के साथ अपना खूबसूरत आशियाना बनाया हुआ है जो वाकई ही बहुत खूबसूरत है। और इस वादी में, इस जगह पर वो इतनी अच्छी तरीके से मर्ज हो रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि मुझे यहाँ आके लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। जैसे जैसे यहाँ ऊटी में दिन ढलता है वैसे वैसे यहाँ सर्दी बहुत बढ़ जाती है, और पूरा का पूरा ऊटी बादलों से घिर जाता है। वो देखो, गाइस आप यकीन मानेंगे, इस जगह पर टोटल नंबर ऑफ बेड्स जहाँ पे प्लांटिंग होती है वो 28 है। टोटल नंबर ऑफ वेराइटीज मतलब कितने तरीके के गुलाब के फूल यहाँ उगाए जाते हैं वो है 706, एंड टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने पौधे हैं यहाँ पे वो है 7400। वाओ, प्लांटिंग करने से पहले यहाँ पे पूरा सॉइल टेस्टिंग होती है, और उसके लिए लैब बना रखी है रोज गार्डन में जिसका नाम है सॉइल टेस्टिंग लैब। यहाँ पे सॉइल की टेस्टिंग होती है और उसके बाद अच्छे अच्छे खूबसूरत गुलाब के फूल उगाए जाते हैं। यूपी की एक और बहुत खूबसूरत जगह दिखाना चाहूंगा जिसका नाम है सेंट स्टीफेंस चर्च, जो 1830 से बना हुआ है। तो 1830 का मतलब हो गया करीब 200 साल पुराना चर्च। वाओ, पर ड्यू टू सम रीजन ये चर्च बंद है। मैं बहुत इच्छा रखता था कि मैं अंदर जाऊं, पर शायद लॉट नहीं चाहते कि मैं अंदर जाऊं, पर मैं आपको बाहर से जरूर दिखाना चाहूंगा। इट्स अ ब्यूटीफुल चर्च, यू कैन हैव अ लुक। गाइज हम बहुत जल्द चैरिंग क्रॉस पहुंचने वाले हैं, और ये ऊटी की मेन मार्केट है, तो मैं आपको ये मार्केट कुछ ही देर में दिखाने वाला हूँ। सो स्टे विद मी। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे यहाँ दिन ढलता है वैसे वैसे यहाँ ठंड बढ़ जाती है, तो मुझे जैकेट की ज़रूरत पड़ गई है, और हम चैरिंग क्रॉस पहुंच चुके हैं ऊटी की मेन मार्केट। तो आइए मैं आपको इस मार्केट का नज़ारा दिलाता हूँ। गाइस जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ऊटी में सबसे ज़्यादा चाय उगती है, तो वैरायटी ऑफ टीज इस शहर में, इस जगह पर हर शॉप,
हर जगह पर मिलती है। आइए मैं आपको दिखाऊं। सो यहाँ पे वैरायटी ऑफ टीज में चॉकलेट टी है, मसाला टी है, लाइम टी है, कार्डमम टी है और बहुत सारी कंपनीज की अलग अलग चाय है। और ऊटी में सबसे स्पेशल चीज जो यहाँ की कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए तो उस मिठास के लिए चॉकलेट। और यहाँ पर स्वीट शॉप्स तो हैं लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा अनगिनत में चॉकलेट शॉप्स हैं और जहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चॉकलेट्स मिलती हैं, हर तरीके की चॉकलेट्स मिलती हैं। गाइस चॉकलेट्स तो हैं पर इन चॉकलेट्स की खासियत क्या है? इन चॉकलेट्स की खासियत ये है कि ऊटी में जितनी भी चॉकलेट्स मिलती हैं, जितने भी स्टोर्स में मिलती हैं, वो सारी हैंडमेड चॉकलेट्स हैं और वो सारी चॉकलेट्स ये लोग खुद बनाते हैं। और यहाँ पे चॉकलेट का बिजनेस एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। गाइस मैं इस वक्त हूँ ऊटी बेकरी और ये ऊटी में है और ये पिछले 11 साल से इस बिजनेस में है बेकरी के एंड चॉकलेट्स के। यहाँ पे चॉकलेट्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया बिकॉज चॉकलेट्स मेरी फेवरेट है और सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्लेवर है रम एंड रेजिन्स एंड आई रियली लव दिस फ्लेवर। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस फ्लेवर राइट अवे राइट नाउ एंड मैं आपको बताता हूँ कि ये टेस्ट में कैसा है। तो प्लीज़ मुझे ये फ्लेवर टेस्ट करें। वाओ गाइस बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है रम्स एंड रेजिन का एंड इट्स एक्चुअल फ्लेवर और मुझे बहुत मजा। अल्ताफ इज द ओनर ऑफ द शॉप, दे बोथ आर द ओनर्स। सो अल्ताफ से मैं पूछना चाहता हूँ कि अल्ताफ आपके स्टोर में सबसे अच्छा फ्लेवर चॉकलेट का कौन सा सबसे ज्यादा सेल होता है जो लोगों को खाने में बहुत अच्छा लगता है? कैरेबियन डेट नट अच्छा रहेगा। ओके ये कैसे बनता है, इसमें क्या होता है? इसमें आलमंड्स, डेट्स एंड वाइट चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट सभी मिल के आता है। वेरी गुड। ये डेट्स के अंदर आलमंड रख के उसके बाद फर्स्ट वाइट कोटेड चॉकलेट, उसके बाद ब्राउन कोटेड चॉकलेट। वेरी गुड। और क्या और कौन सा फ्लेवर है? उसके बाद इन द फिलिंग चॉकलेट्स है, सब अंदर लिक्विड फिल्ड रहता है। अच्छा फ्रूट्स का। ओके ये स्ट्रॉबेरी। अच्छा कैरमल फिलिंग्स। ओके सो गाइस दे मेक कुकीज टू एंड मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत अमेजिंग कुकीज लग रही है मुझे देखने में। तो मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि क्या कैसे हैं, क्या कुकीज है? ये ऊटी का फेमस वर्की आता है। वर्की? हाँ, यू गेट इट ओनली हियर। ओके ओनली ऊटी में मिलता है वर्की। ओके कैन आई टेस्ट दिस? ये कैसे बनता है ऊटी में वर्की? वर्की इज द फेमस कुकी इन ऊटी, ये सिर्फ ऊटी में मिलता है। गाइस ये बहुत अमेजिंग है, इसका टेस्ट इज लाइक हम फैन खाते हैं उसकी तरह इसका टेस्ट है एंड इट्स लिटिल स्वीट नॉट मच एंड ये सेइंग कि ये चाय के साथ एंड ऑफ कोर्स ये चाय के साथ बहुत टेस्टी लगता है एंड ये मैदा एंड घी थोड़ा सा स्वीट डलता है, डालडा डलता है और ये तैयार होता है नित्य सिंह फेमस कुकी, फेमस बिस्किट, फेमस वर्की, वर्की इन ऊटी। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब भी ऊटी आए यू शुड विजिट दिस शॉप, दिस गाइस डेफिनेटली सी यू हियर एंड आप यहाँ की चॉकलेट ट्राई करें। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे हैव ऑल बेकरीज आइटम एंड यू कैन रियली एंजॉय द फूड, द टेस्ट ऑफ द सिटी।
गाइस यहाँ पे बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं और उसका नाम है दार्जिलिंग स्पाइसी। यहाँ पे बहुत अच्छे मोमोज मिलते हैं एंड इट इज़ वेरी टेस्टी एंड वेरी इजी टू पॉकेट। तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे मोमोज खाने में एंड मैंने आज यहाँ पे मोमोज ट्राई करे एंड आई रियली लव इट। सो मस्ट विजिट प्लेस इन ऊटी इज दार्जिलिंग स्पाइस। गाइस ऊटी एक, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे तरीके के तेल मिलते हैं और जो तेल यूजफुल है इसे नीलगिरी का तेल बोलते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसा कि यूज़ होता है, ये सबसे मेन चीज़ है कफ एंड कोल्ड में। आप इसको स्टीम लें या फिर आप इसको अपने नोज पे रब करें, यू विल गेट रियली फास्ट रिलीफ विद दिस ऑयल। मुझे ऊटी में बहुत ही अमेजिंग अंकल मिले हैं एंड कृष्ण अन्ना नाम है उनका एंड ही इज़ अ अमेजिंग ड्राइवर एंड ही इज़ अ कैब ड्राइवर एंड वो पिछले कई सालों से मतलब यहीं बड़े हुए हैं, यहीं पैदा हुए हैं। तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहता हूँ। कृष्ण अन्ना थैंक यू, आज आपने मुझे पूरा ऊटी घुमाया, एक दिन में मुझे पूरा टूर करवाया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। कृष्ण अन्ना आप कब से इस जगह पर हैं, इतनी खूबसूरत जगह पर कितने सालों से हैं यहाँ पे? इधर 50 साल 50 ईयर्स मतलब आप पैदा यहीं हुए थे? वाह, तो आपने अपनी स्कूलिंग वगैरह सब यहीं करी? हो रहे। वाह, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? ऊटी हमारी एंड ओके टू परसेंट वाह। तो कृष्ण अन्ना बहुत ही अमेजिंग ड्राइवर हैं एंड ही ड्राइव्स रियली वेल, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। और मुझे एयरपोर्ट से ऊटी लेके आए और अब मुझे ऊटी से एयरपोर्ट छोड़ेंगे एंड ही इज अमेजिंग टू गुड। थैंक यू कृष्ण अन्ना, थैंक यू सो मच। जरूर सलाह दूंगा कि एक बार इन योर लाइफ टाइम यू शुड विजिट दिस ब्यूटीफुल प्लेस ऊटी। सो आई एम साइनिंग ऑफ, कनन मल्होत्रा। मैं बहुत जल्द आपको और जगह दिखाऊंगा। चाओ, बाय बाय।